पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप नंबर पहले दिन ही बहुत मकबूल हो गया। नई मुतारिफ करदा पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विस पर पहले दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों का रब्ता। चाइल्ड राइट्स मूवमेंट के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। 23 रुकनी वफ्द को सेफ सिटीज अथॉरिटी की वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग। और CIA चुंग लाहौर की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। खातून और जाली सब इंस्पेक्टर समेत 8 रुकनी नौसरबाज डकैत ग्रोह गिरफ्तार कर लिया गया। अस्सलाम वालेकुम, सेफ सिटी टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद फाइक। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप नंबर पहले दिन ही बहुत मकबूल हो गया। नई मुतारिफ करदा पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विस पर पहले दिन 1 लाख से ज्यादा लोगों ने रब्ता किया। IG पंजाब फैसल शाहकार ने गुज़िश्ता रोज पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विसेज और ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह किया था। पंजाब पुलिस का व्हाट्सएप नंबर 0331787177 है, जिस पर कोई भी शहरी किसी भी वक्त रब्ता कर सकता है। शहरी इस नंबर पर हेलो सलाम या एक लिखकर मतलूबा मालूमात और सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। इन सर्विसेज में क्राइम रिपोर्ट, IGP शिकायत सेल, पुलिस खिदमत मराकज की सहूलियात, सिनफी हरासगी की रिपोर्ट शामिल है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सहूलियात, जैनब अलर्ट, सिटीजन पोर्टल, घरेलू मुलाजमीन के लिए क्रिमिनल रिकॉर्ड की तस्दीक भी शामिल है। तहम शहरी इमरजेंसी मदद के लिए पंजाब पुलिस के 15 इमरजेंसी नंबर पर ही रब्ता कर सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद ने भी पंजाब पुलिस व्हाट्सएप सर्विस पर रब्ता किया है। हुकूमत पंजाब के किरायेदारी एक्ट 2015 के मुताबिक अपनी दुकान, मकान, गोदाम वगैरह को किराए पर देने के 15 यौम के अंदर मुतलिका थाने या पुलिस खिदमत मरकज में इसका इंदराज करवाना लाजिम है। इस एक्ट के दीगर मुदरजात क्या हैं और खिलाफ वर्जी की सूरत में क्या सजा मिल सकती है, तफसीलात खसूसी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप इधर किराएदार हैं? जी। अगर किराएदार है तो आपने अंदराज किया होगा थाने में? जी, अगर अंदराज किया तो वो पेपर दे दें जहाँ पे वो टेस्ट पेपर जो है। ठीक है। ये चेक करें, ये क्लियर है, ये क्लियर है, ठीक हो, थैंक यू। हुकूमत पंजाब के किरायेदारी एक्ट 2015 के मुताबिक अपनी दुकान, मकान, गोदाम वगैरह को किराए पर देने के 15 यौम के अंदर मुतलका थाने या पुलिस खिदमत मरकज में इसका इंदराज करवाना लाजिम है। किराएदार की रजिस्ट्रेशन के लिए मालिक मकान और जो किराएदार है उसके ID कार्ड्स रिक्वायर्ड होते हैं, उनकी फोटो कापीज़ रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा उनके दरमियान जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट की कॉपी रिक्वायर्ड होती है। उसके बाद हम यहाँ से उसको वेरिफिकेशन के बाद अटेस्ट करके उनको वापस करते हैं। ये जो इंदराज होता है पूरा प्रोसेस है, ये बिला मुआवजा है। किरायेदारी एक्ट पर अमल ना करने की सूरत में किरायेदार के किसी भी जुर्म या दहशतगर्दी में मुलविस होने पर मुतलका मालिक को संगीन नतीज का सामना करना पड़ सकता है। किरायेदारी एक्ट 2015 की खिलाफ वर्जी करने पर इसके सेक्शन 11 के तहत मालिक मकान और किराएदार दोनों पे FIR होती है और उस FIR के नतीजे में उनको 6 माह तक कैद और 1 लाख तक जुर्माना हो सकता है। अनजाने में जराइम पेशा अनासिर के सहूलतकार ना बने और अपनी प्रॉपर्टी में किसी भी मशकूक सरगर्मी की सूरत में फौरन 15 पर इत्तला दें। चाइल्ड राइट्स मूवमेंट के वफ्द का पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। 23 रुकनी वफ्द को सेफ सिटीज अथॉरिटी की वर्किंग बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वफ्द को एमरजेंसी हेल्पलाइन 15, लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर और विमेन सेफ्टी ऐप की वर्किंग बारे बताया गया। वफ्द ने लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर और ख्वातीन के तहफ्फुज़ के लिए बनाई गई विमेन सेफ्टी ऐप में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि सेफ सिटीज अथॉरिटी के लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की मदद से अब तक 400 से ज्यादा गुमशुदा बच्चों को वालिदैन से मिलवाया गया। शुरका का कहना था कि ख्वातीन और बच्चों के तहफ्फुज़ के लिए सेफ सिटीज अथॉरिटी का किरदार काबिल सताइश है। कमसिन बच्चों से बदसलूकी जैसे वाकयात की रोकथाम और तहफ्फुज़ के लिए तमाम इदारों का मिलकर काम करना ही वक्त की ज़रूरत है। CIA चुंग लाहौर की इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई। खातून और जाली सब इंस्पेक्टर समेत 8 रुकनी नौसरबाज डकैत ग्रोह गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले सादा लोह शहरियों को नौसरबाजी का निशाना बनाते थे। इंचार्ज CIA चुंग इंस्पेक्टर फारूक असगर अवान के मुताबिक मुलजमान से 50 लाख रुपये नकदी, लैपटॉप और नाजायज असलहा बरामद किया गया है। मुलजमान ने दौरान तफ्तीश 25 वारदातों का इतराफ़ किया है। ये थी अब तक की अहम खबरें। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए विजिट कीजिए PSA.media और सोशल मीडिया पेजेस।